लगा लिए हैं, कॉन्टेक्ट वाले नहीं बन पाए। पहुंच गए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, देखो मैं आपके लिए मैंने वहाँ तक खाना नहीं खाया ना, हमने बाहर खाना खाया, हमने कहा अम्मी के साथ खाएंगे। मेथी के पराठे बनाए, बैठे थे तो हमने लिए पांच घी के बनाए, बाकी तेल के बनाए। अच्छा किया भाई, मैं सोचा था धुआं धुआं हो रहा है। ऐसे ही नहीं हुई कभी। अब थकान हो गई अम्मी, तीन दिन फोटो शूट किए, मेहंदी भी लाई, वो नकली वाली डाइट कर रहे हैं। अब एक दिन तो खा लो, पहली बार सीजन के पहली बार है मेहंदी। अब एक दिन मूली भी बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मजा आ गया। दिन भर की थकान के बाद अम्मी के हाथ का बना पराठा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये पुलाव मदिया की मम्मी ने बनाया। खाओ जल्दी से। गई ना आधा घंटा नहीं हुआ, और क्या कहना चाहती है आप? गला सही हो गया, इसीलिए तो कहते हैं पानी भी पीते बन रहा है। हर रिजा को इतना ज्यादा दर्द था और वो डर की वजह से दवा नहीं खा रही थी, अंदर ही अंदर दर्द है। जब उसे डांटा, डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, दवा खाई और देखो उसका दर्द जो है वो चला गया। आज दिन भर मीठा नहीं खाया था फ्रेंड्स, रात में 3 बजे क्रेविंग हुई तो फिर मैंने ये थोड़ी सी ब्राउनी खा ली। खूब लंबी से लंबी हो रही है। तो हमने कहा इसी में चाय, दूध खत्म हो रहा था, हमने कहा इसी भगोने में चाय बना दे, क्यों डबल लगा। आज मैं काफी देर तक सोई, आज मैं 11:30 बजे उठी, वैसे 11 से मैं बिस्तर पे लेटी थी, आधे घंटे तो ऐसे ही लेटी रही। कल बहुत ज्यादा थकान हो गई थी, फिर रात में मैं अपनी सारी फोटोज वीडियोज वो सब देखना, उसको शॉर्ट लिस्ट करना, उसे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। लोग सुबह उठने में बहुत ज्यादा लेट हो गए, ऐसे उठे की 8 बजे पानी की सीटी बाज रही, जब मेरी आंख खुली दवाई करना सा था, रिजल्ट एग्जाम थे। अब ऐसे होते ऐसे बच्चे घूट पानी भी नहीं पी पाए, आज पता नहीं दवाई खा के क्या हो। बहुत ज्यादा दवाइयाँ थी ना लोगों की, तो हो सकता है आंख लगी और यहीं पे सो रही थी। अरे हमेशा बच्चे 10 मिनट स्कूल में पहले पहुँचते हैं, लेकिन कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, सबके साथ हो जाता है, कोई ना भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मैं निकल गई हूँ बैंक के लिए, क्योंकि सनी ने मुझे आप बोला सीरियस चली जाओ, तो मैं 1 हफ्ते से टाल रही हूँ, क्योंकि पासपोर्ट के लिए पासबुक की जरूरत है। अम्मी पढ़िए नमाज, अभी मैं जल्दी से नहा के नमाज पढ़ के आपसे मिलती हूँ। जब भी फ्रेंड्स जल्दी होती तब ये होता है, जल्दी जल्दी नहाने जाना है, लेट हो रहा है, रिजरन को स्कूल से भी लेने जाना है, और आज ही गीजर नहीं चल रहा है, पूरा बाल्टी भर गया ठंडे पानी से और वो गीजर की लाइट जल रही है, मुझे लग रहा है अब आएगा गर्म, अब आएगा, अब आएगा, वो आने का नाम ही नहीं ले रहा। अम्मी क्या करूँ, हाँ लाल जल रहा है। ऐसा क्या करती है आपने, आने लगा तो उधर करे थी, इधर करना है, तो नीचे का खुला था वो। अच्छा चल जल्दी जल्दी हटो, जल्दी हटो, जल्दी हटो। 5 मिनट्स के अंदर नहा दोगे, एकदम फ्रेश हो गई हो। कैसे वो लेट तो नहीं होते थे? 7:59 पे उठे थे हम लोग, 1 मिनट बचा था, लेकिन रिजा कह रही थी 5-10 मिनट्स रहते हैं, एग्जाम थोड़ी ना वो छोड़ने देंगे। और मेरे बगल में रेडी भी होता जा रहा है, शर्ट भी पहनता जा रहा है, सब कुछ अपने कपड़े पहनता जा रहा है, शालू पी, तो आप नींद में एकदम पैनिक करके उठते हो, कैसा हुआ क्या, हाँ शालू पी एग्जाम छूट जाएगा, और ये रोने वाला ही था। अभी डर अपनी जगह सही था कि एग्जाम मेरा छूट जाएगा, और उस वक्त मेरा डर ये था कि डर में ही अपनी तबीयत में खराब कर लिया, रोने लगे या दौड़ के जाए तो फिसल जाए, इसलिए मैं कह रही थी कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, कभी कभी सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन चलो अल्लाह ने उसको सबको सही से करा दिया, एग्जाम दे के आ गए। इतना पैनिक मत किया करो बेटा, लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, ठीक है, थोड़ा हिम्मत। देखने में फ्रेंड्स स्ट्रांग लगता है, अंदर से बेचारे का छोटा सा दिल है, ये तो हिम्मत वाली है थोड़ी। मैंने कहा जाने देंगे
लेकिन अम्मी आज एक चीज का एहसास हुआ कि अगर माँ एक दिन अपना सही से पूरा काम नहीं करे तो पूरा घर का सिस्टम बिगड़ जाता है। मतलब आज आप एक दिन नहीं उठी तो ऐसे हो गया। अल्लाह सबकी अम्मी को अच्छा रखे, सबके बच्चों को अल्लाह अच्छे रखे, अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह पूरी दुनिया में सबकी जायज मुराद पूरी करे। आमीन। और आज लंच में भी मैंने कल के ही बचे हुए पराठे खाए थे, मेथी वाले, वो भी। तो फ्रेंड्स अब पढ़ के हो गया, अभी बज रहा है 3, लंच भी हमारा हो गया है। अभी हम जा रहे हैं मीरा रोड में कोई काम से 10 मिनट के लिए, रिजा रेहान भी हमारे साथ जा रहे हैं। अम्मी तस्बीह गिर जाएगी, उठो रेहान। माशाल्लाह कुर्ता अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम कर लो। वालेकुम सलाम, आर्चा, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। ओ तेरी रिजा गिराती, चलो कोई नहीं आके ले लो। हाँ यहाँ क्या लेके आई है? उल्टी हो जाती है। घर पहुँचे खाने, मुझे लगा तुमने खा ली। आधा कर लो ना, पापा मुझे तोड़ के देते थे, टूट गई। चल ऐसे मुंह में एकदम ऐसे कुल्ला भर के पानी, बड़ा सा मुंह पूरा करके, पूरा मुंह भर के पानी पीना। अब पूरा पूरा पानी, बड़ा पानी खाली। ये अच्छी चीज से खा लेना। पहले मैं भी फ्रेंड्स ऐसी करती थी, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगता था। आज मैंने पूरे दिन आराम किया, कुछ भी नहीं किया, आज मैंने वीडियो भी एडिट नहीं किया। मौदा की चीज है, एंजॉय कर रही थी। मम्मी बैठ के देख रही है आराम से अजूनी। राजवीर जी प्लीज वेलकम। हम बना रहे हैं यहाँ पे पापा के लिए अंडे की भुर्जी। ये मम्मी अच्छी बनी है, कलर भी अच्छा है, सही है ना? नमक तो ज्यादा नहीं करती। चलो अभी चल रहे ऊपर फ्रेंड्स पापा के पास। बस थोड़ी देर ऊपर बैठे, पापा को अच्छी लगी भुर्जी, मतलब उन्होंने कुछ बुरा नहीं कहा, मतलब अच्छी है। और सबने साथ में केबीसी देखा, पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। और कुछ थोड़ी बहुत बातें की और फिर हम आ गए नीचे। रिजा देखो क्या है, नील्स आ गए। कौन सी वाली, वो ब्लैक क्रिसमस जैसे किसी ने भेज दिया आगे क्रिसमस के लिए। मना लेना क्रिसमस अपना खुद से, पार्टी हो या नहीं हो तुम कर लेना। तो ये वाला देखिए कितना अच्छा है सूट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन उन्होंने कितने प्यार से नोट है वो बना के दिया है और लिखा है कांग्रेचुलेशंस, शादी मुबारक सबा एंड सनी। उन्होंने से लिखा है पूरी इब्राहिम फैमिली को और अब न्यास फैमिली को भी अल्लाह हमेशा खुश रखे। सो स्वीट, थैंक यू सो मच फैशन क्लोथिंग हब सुमैया शेख एंड हिब्जू शेख और आपकी पूरी फैमिली जो हमारे ब्लॉग देखती है, दिल से थैंक यू। तो इन्होंने भेजा है हमें ये वेलवेट का सूट और ये बटिक के सूट आया है एके बटिक की तरफ से। प्यारा अम्मी, ये नया कलर कॉम्बिनेशन है ना, सूट है वो मेरा है, कुर्ता जो है वो सनी का है। तो इंशाल्लाह भी सनी जल्दी आएगा तो हम साथ में फोटो शूट करेंगे। तो अरवाज ऑफिशियल डिजाइन की तरफ से फ्रेंड्स ये कितना प्यारा सा बॉक्स आया है। ये चूड़ी का बॉक्स है, ये देखिए कितना खूबसूरत वेलवेट पे बना हुआ है और इस तरह से आप इसमें चूड़ी भी रख सकते हो। थैंक यू। दिमाग की तो बात कही रजा तुमने, कैसे भरा कैसे होगा, ये दोनों तरफ से पैक है। मुझे लग रहा है यहाँ से करके फिर चिपका डाला होगा। हाँ आप समझ रही थी, ये होल है। अम्मी आपके लिए गिफ्ट, जिन्होंने हमारा मेकअप किया था ना वो आपके लिए गिफ्ट लाई थी। इस व्लॉग की एंडिंग नहीं हुई, हमने कहा जल्दी जल्दी से आप इनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, बड़े प्यार से लाए। नमाज का दुपट्टा और साथ में जनावाज, जनावाज सबसे अच्छा प्यारा गिफ्ट, इससे अच्छा क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फातिमा, दुआ दो कि अल्लाह वो इसी तरह कामयाब रहे, बहुत फेमस है, बहुत कामयाब है, लेकिन और ज्यादा हो जाए। अम्मी की हमेशा उनके साथ दुआएं हैं और हमेशा कामयाब रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे, अल्लाह उनको हमेशा खुश रखेगा। दिल से दुआ करती हूँ। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब लोग अच्छे से वीडियो को सब आके आगे लेके जाएं। भूल जाते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, सब लोग अच्छे से आगे लेके जाएं। इतना क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं वो नहीं बोलेंगे, क्यों हम नहीं, हम अच्छा लगता है ना।